मजदूरी करने वाली महिला को पत्नी बनाकर दैहिक शोषण करने वाले राजमिस्त्री को जांजगीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल पीड़ित महिला ने पखवाड़े भर पहले इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मजदूरी करने के दौरान राजमिस्त्री दिलीप कुमार सूर्यवंशी ने शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। फिलहाल आरोपी राजमिस्त्री को पुलिस न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल कर दी है। जांजगीर चांपा जिले में मजदूरी करने वाली महिला को पत्नी बनाकर दैहिक शोषण करने के बाद बेसहारा छोड़ने वाले राजमिस्त्री को गिरफ्तार कर जांजगीर पुलिस ने न्यायिक रिमांड में भेज दिया है। दरअसल महिला ने पखवाड़े भर पहले रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह मजदूरी का कार्य करती थी। इस दौरान उसका परिचय राजमिस्त्री दिलीप कुमार सूर्यवंशी से हुई थी। काम के बहाने राजमिस्त्री उसे अपने झांसे में लेकर उसे अपनी पत्नी बनाने का झांसा देता था। इस दौरान वह उसे रायपुर घुमाने भी ले गया, वहां 2 माह पत्नी बनाकर रखा भी। इसके बाद उसे जांजगीर लाकर छोड़ दिया। पीड़ित महिला उसके पास लगातार चक्कर काटती रही, लेकिन दिलीप कुमार सूर्यवंशी उसे नजरअंदाज करता रहा, जिससे क्षुब्ध होकर महिला ने मामले की रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी। मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार था, जिसे मुखबिर की सूचना पर नैला स्थित घर से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। थाना जांजगीर क्षेत्र का मामला, विगत दिनों एक महिला ने थाना जांजगीर में आवेदन दिया था कि उसके साथ एक व्यक्ति लगातार दैहिक शोषण किया था, जिस पर से थाना जांजगीर 376 भादवी अपराध पंजीयन कर विवेचना में लिया गया था। आरोपी फरार था, जिसकी पता साझी थी, मुखबिर लगाया गया था। मुखबिर की सूचना मिली कि कल नैला स्थित अपने घर पर छिपा हुआ है, इस पर से आरोपी दिलीप कुमार सूर्यवंशी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने उक्त अपराध को करना स्वीकार किया, जिसे फिर अग्रिम कार्रवाई हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट एसी।